देश का नाम, देश का नाम क्या था? लड़के का नाम? भाषा का नाम? भाषा का नाम क्या था? याद आ रहा है? इसी के अगर अपन क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहाँ मैंने ये समझा दिया था ब्रिटेन बोर्ड के बारे में, ब्रिटेन बोर्ड के बारे में पूरी चीजें समझा दी थी ना। जो भी आदेश आता था वो किस पर आता था? बुलेटिन बोर्ड पर, ठीक है। और आदेश कहाँ से आया था? जर्मनी। जर्मनी के शहर कहाँ से? बर्लिन से, जो वर्तमान में क्या है? प्लाजा। क्या आदेश आया था कि फ्रेंच भाषा की जगह कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। और ये बुलेटिन बोर्ड अंतिम पैसेज में अगर ऑप्शन मिले तो टिक किसे करना? बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। और ये रहा आपका पूरा का पूरा फ्रांस। और इसके कौन से दो जिले? एल्जास और लोरेन। इसके बाद ये लड़के के बारे में बताई गई थी पूरी बातें, ठीक है। फिर ये शिक्षक है, हमें कितने वर्षों से पढ़ा रहे थे? क्या पढ़ाते थे? ठीक है, गांव के सभी वृद्ध लोग लास्ट दिन आए थे, ठीक है। इसके बाद इनका अंतिम दिन यानी लास्ट लेक्चर का, उसके बाद इसके अंदर क्या आया? चेंजेस आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद जैसे ही चर्च की घड़ी के 12 बजे वैसे ही क्या हुआ था कि इन्होंने अपनी चौक उठाई और उस चौक से क्या लिख दिया ब्लैक बोर्ड पर? बिबला, जिसका मतलब क्या होता है? फ्रांस जिंदाबाद, लॉन्ग लिव फ्रांस। इसके बाद ये मैंने आपको पूरा समझा ही दिया था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन आंसर को समझो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, यानी उस दिन स्कूल में उसको क्या तैयार करके जाना। तो फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद पार्टिसिपल, उसको क्या याद करके जाना था? पार्टिसिपल दैट डे, उस दिन। एस एम अमेल हैड सेड, जैसा कि एम अमेल ने कहा था, ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल, यानी एम अमेल ने कहा था कि वो उस पर क्या पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा। What was France expected to be prepared with school that day? उस दिन उसको क्या तैयार करके जाना था? क्या तैयार करके जाना था? Participle. That as MML had said, would he would ask question on participle. जैसा कि MML ने कहा था कि उससे ये क्वेश्चन पूछे जाए। ये कब आया था? 2022। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, What did France notice? फ्रांस ने क्या नोटिस किया? That was unusual about the school that day, कि उस दिन स्कूल में कुछ अनुचित यानी अजीब सा या अलग सा लग रहा। देखो क्वेश्चन कितना है? एक। आंसर कितने हैं? दो। आपको जो याद हो जाए आप उसको कर लेना। ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप केवल इसको याद करो या आप इसको याद करो। आपसे जो याद हो जाए आप उसको याद कर सकते। आपको लगता है कि मेमोरी अच्छी है तो इसको याद कर लेना, और अगर आपको लगता है मेमोरी अच्छी है तो आप इसका जो आपसे याद हो जाए वो। क्वेश्चन क्या लिखा है? व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट, उस दिन उसने स्कूल में क्या देखा कि उसको ऐसा लग रहा था कि कुछ तो स्कूल में अलग लग रहा है, यानी अनुचित लग रहा है। व्हेन फ्रांस रीच स्कूल, जब फ्रांस स्कूल पहुंचा, इट वॉज वेरी क्वाइट दैट डे, जस्ट संडे मॉर्निंग, स्कूल बिल्कुल शांत था जैसे कि क्या हो? संडे मॉर्निंग। Usually when school began, आमतौर पर जब स्कूल स्टार्ट होता था, there was a great असल and bustle. Great असल और बसल का मतलब होता है शोर शराबा। आमतौर पर जब स्कूल स्टार्ट होता था तो काफी शोर शराबा होता था, which could be heard out on the street, जिसे गली के बाहर भी सुन सकते थे। All were sitting quietly in their places, सभी के सभी अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल शांति से बैठे हुए। There was no opening and closing of desk. और जो डेस्क था, अब यहाँ एम अमेल की एक आदत थी कि वो जिस चेयर पर बैठे हुए करते थे वहां और टेबल हुआ करती थी, उस टेबल का जो डेस्क होता था उस डेस्क को बार बार खोलते थे, बार बार बंद करते, आज उसकी भी आवाज नहीं आ रही थी। द मोस्ट स्ट्रेंज थिंग, सबसे अजीब बात उसको ये लगी, दैट वॉज इंस्टेड ऑफ यूजर रैपिंग ऑफ द स्केल ऑन द टेबल, कि उनके हाथ में जो स्केल हुआ करती थी वो टेबल पर पटक नहीं रहते, पीट नहीं रहे। एम अमेल वॉज वॉकिंग विद हिज रूलर अंडर हिज आर्म,
अब जो एम एम एल थे उनके पास क्या हुआ करती थी, एक रूलर हुआ करती थी और उसको वो अपने अंडर आर्म में ऐसे लगा के और पूरी क्लास में घूमते, ये उसको बिल्कुल अनुचित लगा। अच्छा इसको ऐसा क्यों लगा, क्योंकि एम एम एल का लास्ट दिन था तो वो चाहते थे कि आज की क्लास में लास्ट दिन की तरह ही लो। आपसे अगर ये याद हो जाए तो आप इसको कर लेना, और अगर आपको चाहिए कि ये वाला याद करना तो आप ये करना। अगर इन दोनों के अलावा भी आपको कहीं किसी और जगह से याद हो जाए तो आप उसको कर लेना, मस्ट है कि आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ऑन एंटरिंग द स्कूल, स्कूल पहुंचने पर फ्रांस नोटिस दैट देयर वाज नो नॉइज ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि जो डेस्क था उसके खुलने और बंद होने की कोई आवाज नहीं। द विलेज एल्डर हैड ऑक्यूपाइड द लास्ट बेंच, और उसे गांव के वृद्ध लोग लास्ट बेंच पर बैठे हुए मिले। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा कैसी हुआ करती थी, खाली। एम अमेल वॉज इन इज वेरी फाइन संडे क्लोज में एवरीबडी लुक्ड सैड, और एम अमेल जो थे वो एक कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, सभी के सभी कैसे थे लुक्ड सैड, यानी मतलब सभी के सभी कैसे थे दुखी। क्लियर हुआ, जो याद हो जाए वो कर। इसके बाद अगले क्वेश्चन व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या आया था, पुट अप ऑन द यानी क्या लिखा था, क्या आदेश आया था। तो बुलेटिन बोर्ड वॉज द सोर्स ऑफ लेटेस्ट न्यूज फॉर द पीपल, लोगों के लिए वो किसका काम करता था, ठीक है। इसके बाद जर्मन है पुट अप द नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर एक नोटिस आया, क्या आया, किस पर नोटिस, किस पर आया, बुलेटिन बोर्ड पर। वो क्या था, दिस ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, ये ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज, की सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, किसकी जगह पर, फ्रेंच भाषा की जगह पर, इन द स्कूल ऑफ एल्जास एंड लॉरेन, कौन से स्कूल में, एल्जास और लॉरेन, क्योंकि एल्जास और लॉरेन जो स्कूल था उसी पर ही किसका नियंत्रण हो गया था, जर्मनी का, और जो जर्मनी का नियंत्रण हुआ था तो उसने एक आदेश जारी किया, वो आदेश क्या था कि आजकल फ्रेंच भाषा की जगह कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। क्लियर हुआ। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कितने ऑप्शन है आंसर में, एक, फिर 2, और इसके बाद ये 3। आपसे जो याद हो जाए आप उसको याद कर लेना, आपको लगता है कि ये वाला याद करे ये कर लेना, आपको लगता है दूसरा वाला दूसरा कर लेना, आपको लगता है तीसरा वाला तीसरा, और मैं भली बातें जानता हूँ तुम दूसरा वाला ही करोगे, है तुम स्टाम्प पेपर पे लिखा लो तो भी कौन सा करोगे, दूसरा वाला। कोई बात नहीं, आपको केवल और केवल आंसर लिखना और आपको याद होना चाहिए, इससे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि ये किया ये किया। हाँ जो भी आप याद करो वो इतना अच्छा याद कर लेना कि 10 बार लिखने पर भी उसमें मिस्टेक ना हो। अगर आपको ये वाला भी याद हो जाए तो इसको इस कदर याद कर लेना कि इसको लाख बार भी लिख लो तो भी मिस्टेक ना। अब इसको याद करो और इसमें कोई मीनिंग ऐसी है जिसको आप नहीं लिख पा रहे हो या मीनिंग मिस्टेक कर गए तो बचा क्या उसका, कुछ भी नहीं। तो जो भी याद करना उसी को एक को करना और बहुत अच्छा याद कर लेना, ठीक। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल में जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसके बाद स्कूल में क्या चेंजेसमेंट आया, तो क्या चेंजेसमेंट आया, आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आने के बाद द होल स्कूल सीम्ड वेरी स्ट्रेंज एंड सोलेम्न, पूरा का पूरा स्कूल कैसा प्रतीत हो रहा था, स्ट्रेंज मतलब अजीब सोले मतलब शांत प्रतीत हो रहा था। एम अमेल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, अब एम अमेल एक अच्छी ड्रेस पहने हुए थे विच ही यूज टू वियर ऑन फॉर्मल ओकेजन, अब वो आमतौर पर उस ड्रेस को कब पहनते थे, जब कोई तीज त्योहार होता था या कोई बड़ा अनुष्ठान हुआ था तभी पहनते थे। क्लास वॉज फिल्ड विद एल्डरली बिलीव, गांव के वृद्ध लोगों से क्लास पूरी भरी हुई थी, हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस विद देयर एलिमेंट्री बुक्स, और वो कहाँ बैठे हुए थे, क्लास के लास्ट बेंचेस पर बैठे हुए थे अपनी अपनी किताबों के साथ, एलिमेंट्री बुक्स मतलब अपनी प्राथमिक वस्तुओं के साथ, जस्ट लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, और वो कैसे लग रहे थे, बिल्कुल बच्चों के जैसे लग रहे थे। ये याद हो जाए ये करेगा। दूसरा वाला, द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंजेस इन फीलिंग ऑफ पीपल, अब इस ऑर्डर के आने के बाद जो वहां के लोग थे उनकी फीलिंग में चेंजेस आए, वो फीलिंग क्या थी, टुवार्ड्स मतलब की तरह, देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज, उन्हें अपने देश के
अब उनको जब हार गए तब उन्हें अपने देश की और अपने देश की मातृभाषा की उसकी रक्षा करने की सोच रहे थे, यानी उनको तब रियलाइज हुआ कि हाँ हमें अपने देश की रक्षा करना चाहिए और अपनी मातृभाषा की भी रक्षा करना चाहिए। तो ये उनके अंदर क्या है, चेंजेस में। इसके बाद तीसरा, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल वसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू बी स्टैंड स्टिल। स्कूल में ऑर्डर आने के बाद स्कूल में जो भी शोर शराबा हुआ करता था वो एकदम शांत हो गया। द टीचर एम अमेल बिकम मोर सिंपैथेटिक टू हिज स्टूडेंट। अब जो एम अमेल थे वो अपने बच्चे यानी स्टूडेंट के प्रति कैसे हो गए थे, सिंपैथेटिक हो गए, सहानुभूति पूर्वक हो गए थे। एंड और टॉट इज लेसंस विच मोर पेशेंस, और अपना लास्ट लेक्चर कैसे सुना रहे थे, मतलब अपना पेशेंस रखकर सुना रहे। मैंने इसमें आपको बताया होगा कि जो एम अमेल थे उनका बिहेवियर स्ट्रिक्ट था, जब उनका लास्ट दिन था तब उनका स्ट्रिक्ट बिहेवियर नहीं था, वो कैसे हो गए थे, सिंपैथेटिक हो गए थे यानी सहानुभूति पूर्वक हो गए थे। विथ मोर प्रेजेंट एंड द स्टूडेंट बिकम मोर अटेंटिव इन देयर क्लासेस, और जो भी बच्चे थे वो उनकी क्लास को बड़ी आसानी से सुन रहे। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? ऑर्डर कहाँ से आया था? और ऑर्डर कहाँ से आया था? बर्लिन से। क्या आया था कि फ्रेंच भाषा की जगह क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन। कहा? एंजियास और कहा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम अमेल एंड स्कूल चेंजेस। अब फ्रेंच की जो फीलिंग थी वो एम अमेल और स्कूल के प्रति कैसे चेंजेस हो गई, तो फ्रेंच हैड अ डिसलाइक फॉर स्टडीज एज वेल एज एम अमेल इज फ्रेंच। जितना वो अपनी स्टडी से नफरत करता था उतना ही वो किससे नफरत करता था, अब शिक्षक एम अमेल से नफरत करता जो उसके क्या थे, फ्रेंच टीचर। एज इट इज स्कूल, जैसे ही वो स्कूल पहुंचा एंड केम टू नो दैट, तो उसने जाना एम अमेल वुड गिव हिज लास्ट लेसन, कि एम अमेल जो है वो आज अपना अंतिम लेक्चर दे रहे। दैट ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट टेकिंग हिज लेसन प्रॉपरली फॉर इट, और उन्होंने पहली बार अपने आप को गिल्टी महसूस किया कि यार हमने कभी भी इनको सीरियस नहीं लिया, यानी कि पढ़ाई को कभी भी सीरियस नहीं। बुक्स यूज टू बी अ बर्डन, अब ये बुक्स को कैसा मानता था, बर्डन के जैसे मानता। बट सडनली लेकिन अचानक दे सीम्ड टू बी हिज फ्रेंड, लेकिन अचानक ही वो उसकी क्या थी, क्या मानने लगा, उनको अपनी फ्रेंड मानता। ही फॉरगेट ऑल अबाउट एम अमेल स्ट्रिक्ट बिहेवियर, अब वो लास्ट दिन एम अमेल के स्ट्रिक्ट बिहेवियर को भी भूल गया। एंड रूलर ही फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर हिज टीचर फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उसको अपने शिक्षक के प्रति लगाव महसूस हुआ। अंतिम दिन था, अब अंतिम दिन अगर कोई जाए तो जाहिर सी बात है कि कितना भी बेकार क्यों ना, हमें उसके प्रति दया आई जाएगी। बर्डन मीन्स क्या, बर्डन मतलब बोझ। हाँ, किताबों को क्या मानता था वो, बोझ मानता था। और एक और चीज थी, उसका कहना ये था कि मेरे लिए तीन संडे होना चाहिए, दो सैटरडे के होना चाहिए और एक संडे तो रहेगा ही रहेगा। और इसके अलावा उसका ये भी कहना था कि जब मैं संडे के बाद लौटकर स्कूल जाऊं तो मेरे को पढ़ाई ना करवाई जाए। तो पढ़ाई के लिए कब करवाई जाती, ट्यूसडे से करवाई जाए, वो भी थोड़े बहुत करवाई जाए, मोड़ा है तो कुछ भी कर सकता है। व्हाई डिड हाउजर एंड द अदर विलेजर्स केम टू अटेंड द लास्ट लेसन। हाउजर एक व्यक्ति का नाम था, अदर और अदर विलेजर गांव के अन्य लोग लास्ट लेक्चर अटेंड करने क्यों आए थे, क्योंकि एम अमेल का क्या था, लास्ट लेक्चर था। अदर एंड द अदर विलेजर केम टू अटेंड द लास्ट लेसन अटेंड करने के लिए आए थे ऑफ एम अमेल का द फ्रेंच लैंग्वेज टीचर, जो क्या थे, उनके फ्रेंच लैंग्वेज टीचर। इसके बाद अगला, ठीक है, व्हाट डज एम अमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम अमेल ने लास्ट दिन फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा। दूसरा, हाउ डिड एम अमेल प्रेस, प्रेस मतलब क्या, प्रशंसा करना या अपने का तारीफ करना फ्रेंच लैंग्वेज, यानी किसकी तारीफ की, फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ की। कितने क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन अलग अलग है, अगर ये लिखा मिल जाए या ये लिखा मिल जाए तो दोनों का आंसर। आपसे गलती क्या होती है, आप जब कहते हो ना कि सर क्वेश्चन आउट ऑफ चला गया, क्वेश्चन कभी भी आउट ऑफ नहीं जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आउट ऑफ होने का मतलब ये होता है कि आपसे पूछा गया एम अमेल का और दे दिया किसी और का, वो कहलाता है आउट ऑफ। ये आउट ऑफ नहीं होता है, ये इन द सिलेबस ये होता है, बस चीजें बदल देते हैं। अगर ये वाला क्वेश्चन आपने याद किया
और यही बन के यहाँ ऐसे आ गया तो आप कहते हो सर सिलेबस से यानी ये जो क्वेश्चन है वो आउट हो गया। ये आउट कहाँ है? क्या एम अमेल इसमें नहीं है? क्या फ्रेंच लैंग्वेज इसमें नहीं है? क्या दोनों चीज है तो फिर कहाँ है? तो चैप्टर से बस समझने की जरूरत पड़ती है कि ये क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान से जान। अभी आपको आगे ऐसे से भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसके ऑप्शन छह छह हैं, सात सात ऑप्शन भी मिलेंगे। तो आप उनको ये जरूर देखकर जाना कि सातों के सातों या छह के छह क्वेश्चन का आंसर केवल एक ही है। अब उन्होंने एम अमेल ने क्या किया, फ्रेंच लैंग्वेज की क्या की, तारीफ की। वो क्या तारीफ की? एम अमेल सेज, एम अमेल कहते हैं दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। कि फ्रेंच कैसी भाषा है? विश्व की सबसे खूबसूरत भाषा। इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, ये बिल्कुल स्पष्ट और लॉजिकल मतलब तर्कपूर्ण भाषा। ही आस्क्ड हिज स्टूडेंट टू गार्ड देयर लैंग्वेज एंड नेवर फॉरगेट इट। उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि इसकी हमें रक्षा करना चाहिए और इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। ही सेज, आगे कहते हैं, व्हेन पीपल आर इनसलेप्ट दे एक्ट द की टू देयर प्रिजन एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। कि जब लोग बाग क्या हो जाते हैं, इनसेलेक्ट मतलब गुलाम हो जाते हैं, तो उन्हें गुलामी से बचाने की कुंजी होती है, इसलिए उसकी रक्षा करना चाहिए। क्लियर हुआ? इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डिड एम अमेल डू व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजे, तो 12 बजने के बाद एम अमेल ने क्या किया? एज द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही चर्च की घड़ी में 12 बजे, एम अमेल न्यू इट वॉज टाइम टू लीव द स्कूल। वो जान गए कि अब मुझे स्कूल छोड़ने का समय हो गया। ही इमीडिएटली स्टूड अप, खड़े हुए, लुकिंग वेरी पेल का मतलब होता है निहारना। अब किसी का आखिरी दिन हो तो जाहिर सी बात है कि वो जगह पहले वो 40 सालों से पढ़ा रहे थे, और 40 सालों से पढ़ाने के बाद एकदम से उनको मतलब हटा दिया जाए तो उनको तो बुरा लगेगा, तो वो पूरी क्लास को निहार रहे। ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, took a piece of chalk and wrote on the blackboard। उन्होंने एक चौक का पीस उठाया और ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया बेबला फ्रांस। एक फ्रेंच कौन सी भाषा में, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, जिसका मतलब क्या है, लॉन्ग लिव फ्रांस यानी फ्रांस जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखा है व्हाट वॉज द फियर इन लिटिल फ्रांस माइंड व्हेन व्हेन ही स्टार्टेड स्कूल फॉर इन द मॉर्निंग। जब सुबह उसको जाना था तो उसके माइंड में क्या डर था? द लिटिल फ्रेंच वॉज फियरिंग दैट द टीचर गुड स्कॉलिंग, उसको डर था कि स्कूल के जो टीचर है यानी एम अमेल है वो उसको डांटेंगे, बिकॉज क्योंकि ही डिडंट नो पार्टिसिपल, क्योंकि वो पार्टिसिपल के बारे में जानता नहीं, यही उसको याद करने के लिए दिए थे और इन्हीं को ही वो जानता था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे, वो उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? बिल्कुल इसलिए नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो इनको जानता नहीं। फ्रांस डिडंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बींग स्कॉल्डेड दैट डे स्पेशली, वो इसलिए स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसको मालूम था कि आज मेरे को डांट पड़ेगी, इसलिए स्कूल जाना नहीं चाहता। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रांस सी व्हाइल ही वॉज गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने स्कूल में क्या देखा? द बर्ड्स वर चिरपिंग, चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाना। पक्षी होते हैं पेड़ों पर बैठे होते हैं, तो पेड़ों पर बैठे होते हैं तो चहचहाते हैं, आपकी आवाज देते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में, चिपिंग। द पार्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और पार्सियन जो सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिल कर रहे थे यानी परेड कर रहे थे, ये उसने देखा। हाउ डिड एम अमेल ड्रेस फॉर स्कूल ऑन हिज लास्ट डे टू स्कूल, अंतिम दिन उन्होंने कैसी ड्रेस पहनी हुई थी, या दूसरा व्हाट वॉज अनयूजुअल अबाउट एम अमेल ड्रेस ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल, लास्ट डे उन्होंने किस प्रकार के ड्रेस पहनी थी और उससे वो अजीब लग रहे थे। एम अमेल वॉज वियरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो एक सुंदर सा ग्रीन कोट पहने हुए थे। हिज फील्ड शर्ट एंड द लिटिल सिल्क कैप, और अपने शर्ट पहने हुए थे और एक सिल्क की कैप लगाए हुए। ऑल हिज ड्रेस डिफरेंटली, उनकी जो ड्रेस थी वो बिल्कुल अलग लग रही थी। उनकी ड्रेस कैसी लग रही थी? बिल्कुल अलग लग रही थी। क्या है, ग्रीन दिख रहा है? दिख रही कि नहीं? अब ये जो शर्ट पहने हुए तो, और ये देखो ये टोपी लगाए कि नहीं, और ये देखो फ्रेंच है, बच्चा नहीं है, कौन है वो, फ्रेंच है, पर देख रहा है तो मासूम सा भी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो ये क्या, और इन्होंने क्या लिख दिया था, बेबला फ्रांस। तो ये ग्रीन कोट पहने हुए थे और सिल्क की टोपी लगाए। हाँ,
इसीलिए तो टाइम लगता है, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं हो जाता हूँ तब तक हम आगे नहीं बढ़ता हूँ, समझ गया। हमारा सेटिस्फाई होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है। चैप्टर में मजा तो तभी आएगा ना जब उसको अपन बहुत अच्छे से समझ लेंगे, वरना याद करने का क्या है। याद तो आप रट के भी कर लोगे। मैं आपकी बुद्धि को कभी ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, और मैं कभी किसी को अंडरस्टिमेट करने की भी कोशिश नहीं करता हूँ। आप बहुत अच्छे बच्चे, आप पढ़ते भी हो, पर दो चीजें आपके साथ होती है और वो दो चीजों से पूरी दुनिया परेशान है कि सर पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, सर याद तो करते हैं लेकिन माइंड में नहीं घुसता। तो इन बातों को लेकर अगर मैं केंद्र खोल लूं और वहां पे समस्या समाधान लिख लूं तो ये दो बातें कहकर मैं दुनिया के किसी भी व्यक्ति को बेवकूफ बना सकता हूँ। स्टूडेंट जात को, स्टूडेंट को बेवकूफ, तू पढ़ता तो बहुत है, एक बात तो तेरे बारे में लगी, क्या तू पढ़ता बहुत है लेकिन जैसे ही पढ़ता है उसके दिन भूल जाता है, तो ये तो हर किसी के साथ सांस मुझसे करा लो तुम। अगर मुझे भी अगर आप कहोगे कि सर ये पूरे क्वेश्चन याद करके आना तो मैं भी मिस्टेक कर दूंगा, और अगर मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन जैसे के जैसे लिख के आ गया या मैंने जैसा का जैसा लिख दिया तो मेरा चेकअप कराना, मैं फिर साधारण इंसान नहीं हूँ। फिर चेकअप करा लेना कहीं मैं दिव्य शक्तियों के साथ पैदा तो नहीं हुआ, नहीं आप समझो सर क्रिस जैसे पैदा हो गए क्या, हो ही नहीं सकता, तो क्यों परेशान होते हो। ये कभी नहीं हो सकता कि आपको पूरा याद हो जाए। अगर ये पूरा का पूरा किसी को याद हो जाए तो वो साधारण इंसान नहीं होगा, वो बहुत बड़ा इंसान होगा। ऐसी बुद्धि कभी किसी को नहीं मिली है, और ये फिल्में वगैरह में दिखाई गई है वो एक बात अलग होती है, वो तो मेहनत की जाती है, वो ऐसे नहीं होती, ऐसा नहीं होता। आप केवल इतना ध्यान रखना कि हमें उस हम जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उस क्वेश्चन के बारे में आप ठीक ठाक लिख पा रहे हो या नहीं। एस टू एस कभी चेक नहीं होगा, नहीं आप सोचो कि सर सेम टू सेम आ जाए, वो कभी नहीं होगा। आगे बढ़े, द टीचर डिड नॉट स्कॉल फ्रांस फॉर इज कमिंग लेट। लेट आने पर स्कूल का जो टीचर था एम अमिल, उन्होंने उसको उस दिन डांटा नहीं था, क्यों, वाई वॉज फ्रांस नॉट स्कॉल्ड फॉर रीचिंग द स्कूल लेट दैट डे। लेट होने पर भी फ्रांस को डांटा नहीं गया। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अलाउड ओनली जर्मन लैंग्वेज। ऑर्डर आने, ऑर्डर क्या आया कि ओनली जर्मन पढ़ाई जाएगी। Hence their teacher was in somber mood. अब सभी के सभी कैसे somber mood में हो गए। somber mood का मतलब होता है एकदम से उनका मूड जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया, बदल गए वो लोग। सो इसलिए he did not scold French for coming late. इसलिए फ्रेंच के लेट आने पर उसको डांटा नहीं गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा है why did Ozer and the other villager, ये तो पहले करा दिया, अदर विलेजर कम टू अटेंड द लास्ट लेसन, वाई वर द विलेजर सिटिंग इन द लास्ट क्लासरूम। लास्ट क्लासरूम में गांव के वृद्ध लोग क्यों बैठे होते हैं। ऑजर एंड अदर विलेजर केम टू अटेंड द लास्ट लेसन टू एक्सप्रेस देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम अमिल। ऑजर और गांव के जो अन्य लोग थे वो लास्ट बेंचेस पर बैठे हुए थे या उनका लास्ट लेक्चर लेने के लिए आए थे, फॉर देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड, उनकी रिस्पेक्ट यानी सम्मान के लिए और उनका अभिवादन यानी धन्यवाद देने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड एम अमिल गिव टू द चिल्ड्रन। एम अमिल ने चिल्ड्रन को, चिल्ड्रन लिखा हो या इज स्टूडेंट लिखा हो दोनों बातें एक ही है, और दोनों से क्वेश्चन अलग अलग थे। एक क्वेश्चन किससे था, चिल्ड्रन से, और एक क्वेश्चन किससे था, स्टूडेंट से, दोनों बातें एक ही है। ऐसे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। इन इस क्लास लास्ट दिन उन्होंने अपने स्टूडेंट या चिल्ड्रन को क्या इन्फॉर्मेशन दी। एम अमिल इन्फॉर्म द स्टूडेंट या चिल्ड्रन दैट ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। उन्होंने कहा कि ये ऑर्डर कहाँ से आया था, बर्लिन से आया। दैट डे उस दिन दे विल बी टॉट जर्मन ओनली एंड इट वॉज देयर फ्रेंच क्लास। उन्होंने क्या कहा था कि आज के बाद आपको केवल क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। And it was their French class. और ये आज की इसकी लास्ट क्लास। क्लियर हुआ? कोई ऐसा क्वेश्चन जो नहीं आया तो पूछ लो। लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट वर्ड्स एम अमिल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। कौन से शब्द थे जो उन्होंने किस पर ब्लैक बोर्ड पर लिखे थे बिफोर लीविंग द स्कूल क्लास, स्कूल छोड़ने से पहले। व्हाट डिड दे मीन, उसका मीन्स क्या था। एम अमिल रॉट बेबला फ्रांस, एम अमिल ने क्या लिखा, बेबला
ऑन द ब्लैक बोर्ड, इस पर ब्लैक बोर्ड। दीज वर्ड्स मीन, इनका मतलब